अटल पत्र बल कर अटल पट अगर मीठा नहीं हो गया तो फिर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। आपने कभी केएफसी का नाम सुना है? केएफसी? पेप्सी का नाम सुना है? केएफसी? हाँ सुना है। कहाँ सुना है? इधर कराची में सुना है। असादा नालो भगवान बुद्धो रिठो भगवान है तमा केएफसी मने यो एकड़ पुड़े ने मठाई थी अच्छे। KFC का मतलब है केंटकी फ्राइड चिकन और इसके मालिक का नाम है कर्नल सैंडर्स। इन्होंने अमेरिका के एक शहर केंटकी में फ्राइड चिकन का ढाबा खोला था और आज 145 ममालिक में इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं। फिर लेकर आऊँ चिकन का फ्राइड का फिर अभी 61 स्टेट हो गए हैं कि शायद अच्छी चीज़ होगी। इसका नाम है चिकन बकेट। चिकन बकेट बकेट पारा बाल्टी हांजी बाल्टी ऐसी कचरा फेंकने के लिए तो इस्तेमाल की जाती है खाने के लिए पहली बार देखिए। इसके मालिक ने जब ढाबा खोला था उसके 27 साल बाद ये डिश मुतारिफ हुई। दसदा तस्वीर जरिए आता दादा हम अंबल नए या ये ना नाम था खान हां हम अंबल हमें के जोड़ करे था हम ने दा तस्वीर बस हम दा या कुल्ला की सबरी किया तो बाल्टी भरा हुआ है चिकन से जी। इसके अंदर ये मुर्गी की रान है मैं तो पहली बार देख रही। अच्छा ये इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? ये बेसन का आटा इसमें समोसे बनते हैं पकोड़े बनते हैं और वो पापड़ियाँ बनती है सूखी हुई मुर्गी में ये पहली बार देखा है मैंने। पट्टे मैंने खाई तो पानी बुधाई नहीं। माशाल्लाह गिरास है कुछ नहीं बस तरे हो लेकिन करो फ्राई कई ये कहे हो ना फ्राई जे तरीके खां पचाए हों दो अन्ना बिसेरो पका के खुश के नो चट अन्ना वजह मच मजे से बंद ये मैं चुंको से कुंगो ले क्यों ना ये आम खास कुम पर दबलिंगा खाली भोजन नहीं दे उन्हें मठा ताला है खाद्य में जाए को सही पियो अच्छे ऐसे रंगों में अंत है पसंद बस पसंद बस कि फिंगरा तो मिक्स फकसित एल खुश्क बिसोकी मसाले ज़्यादा है खाने में बहुत ही अच्छा है चटपड़ाई नहीं है जायका जैसे क्या कहते हैं चार चांद लगे उसको देखने में जितना है उससे ज़्यादा खाने में मज़ा आ रहा है। नाना मुस्तान दम मिस्सा सजा वो शिकड़ी खलकू रहता गुड़ा फूका था बुढ़ जा तो रहता चिखार था नाड़ी को बिस्से का वो भी आने फूस को बिस्से का बिल्कुल नहीं वो शिंगो के साथ सीढ़ी चल नहीं फिर ये न जायका फिर दाना फिर खाने में जायका भी इसका अच्छा है और ये पका हुआ भी ठीक है सही है। बहुत मज़े किए बहुत मज़े किए बहुत मज़े किए बहुत मज़े किए। हाँ वो तस्वीरें तो खानी वहाँ बाबू से ता पलो इसको कहते हैं बफलो विंग्स। बफलो विंग्स ये दुखियो नालो असंग बुधानो को नहीं दो। बफलो मतलब भैंस और विंग्स का मतलब है पर। भैंस की कहाँ पर होती ये नाम इससे जुड़ता नहीं है ना भैंस और पर। बफलो अमेरिका का एक छोटा सा शहर है जिसने ये डिश बनाई थी ना वो बफलो का रहने वाला था इसीलिए इस डिश का नाम बफलो विंग्स रखा गया है। ये टीवी डिश ना खाना ना मैं ये जंगली आ रहे रख तो बशर्ते दाल दाखल दा कबाब की गिदरी फिकक तो भाई दा मोनो मरो रखा है डब्बो तो सुठो आए पर मिर्च भी सुठा लगन पे जी डाटे हरा सू है जी वाले अंत में मुर्गी में मुर्गी रहे माने फिर खराब मैं ही ने देखो किया था लोड़े ने तो कुकुड़ क्या कहते हैं बहुत ही तीखा और बहुत ही नमकीन हर गिला इतना फर्क करी कंपनी अमूदी कंपनी ता नकल जोड़ मर सा काई कक अदा यो खट्टो महसूस किन तो थी लीमे वांगर पता नहीं क्या क्या डाले इसमें नमक का कोई खजाना इसमें भरा हुआ है
ये चटनी की वजह से थोड़ा खट्टा बहुत है, इसीलिए इंसान खाने में तो थोड़ा घबरा जाता है। देख अन्न मरीचा खा रहा, नस्ल नस्ल जोड़ मरीचा खाई के, अरे असल असल कम मरीचा की का नखल मच बोना मरीचा की का हिन में थोड़ा मन मिर्च तेज आए तवा दला चारा चाहे हो असी मिर्च दा चाहे हम बारी में खाते ही मिर्च हमको पसंद भी है। बस वो सॉसेज का जायका वही मिर्चू का जायका ज्यादा आ रहा है। ये मन चेहरो अधिक आए हुन में थोड़ा मन चेहर घट आए दिखाई मन तेज लगे तो दस दाव सुवे से मोना सुवे सर मगी ए ना हिसाब कंपनी मो जे ए ना हिसाब दा बिसो कफ सक। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, वो पहले वाला वो ठीक था। नमक थोड़ा कम करते तो फिर इसका जायका मेरे ख्याल और भी बेहतर हो जाता। बनाने वालों को जो फिर से बनाए हम फिर से आए फिर ये ही खाएं। पचायल भी सुठो आ, आयल भी सुठो आ, दिसण भी जो सुठो आ, खाण भी सुठो आ। बाल्टी को हाथ मत लगाना भाई जान, ये बाल्टी मेरी हो चुकी है। ये है माइटी जिंगर बर्गर। माइटी जिंगन बर्गर डाटल पत्र द बर्गर चल पड़। अभी देखते हैं कि इसमें क्या क्या निकलते हैं। क्या निकलता, कोई भूत तो नहीं निकलेगा। हमें गिड़ाए मुस्तना को ये इतना मोटा मोटा क्यों बनाते हो। अभी ये हमारे तो मुंह में इसका निवाला भी नहीं जाएगा। हिन में दा यो चाय चा चंदा है ना, सी बारड़ी में पोखींदा आयो तर हां से तो बंदा उठा लेगा। सामने जिसमें ये डालेंगे वो मुंह है, कोई घर के लिए प्लाट नहीं मैंने खरीदा जिसमें मैं ये रख दूं जाके सीधा। चक्कू आए तो खाए भगवान। देखते हैं ट्राई तो फ्री है। कोने रे तो तेना खुशी हम बंद रख थोड़ो फिको लगे तो इनमें आए मुर्गी आए मिलावट। मैंने सिर्फ एक साइड खाया इसका, अभी इसमें इस दूसरा साइड में क्रीम वगैरह नजर आ रही। डबल रोटी गोश्त ये गरीब कौन थे मिक्स थे ना अद वे खाजन था वे खाजन था वे बीच में रह जी वजन था और बीच में खाने हेठ रह जी वजन था। ना 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 खाया जोर नाली उल्टी कर दो। अगर मीठा नहीं हो गया तो फिर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। दा दौने के दा दा था ना था खाने था दा अंत के शागान होता अन्ना से जन उस तरफ पक। ये का गोभी है, ये सलाद है। सलाद हम इसको गोभी बोलते हैं। नंग कुंगुन अलहमदुल्ला साफ हो गया हाँ ना मिक्सिंग गिरा नोज पक उसने गवार का पकुनी का वो चीज़ मैंने अमूमन होता है मुँह में लगता है मीठा होता है, इससे मैंने खाया लेकिन ये मीठा नहीं है पता नहीं क्यों। लेकिन ये चटनी की वजह से थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मेरे ख्याल बर्गर के हिसाब से ये सबसे अच्छा है। नहीं ये बाबा आपका डब्बा आपकी मेहरबानी। पसंद बिल्कुल पसंद आए, खादे में चेहरा है सही आए, बर्गर भी सही है, अंदर गोश्त भी सही है, लेकिन चटनी की थोड़ी शिकायत है। असा कर जिंदगी में कौन खाधो पहले चक्कर खाधो पर असा के वणी डाडो दिल में वणी तो असा के डाडो सुठो पियो लगे। पैजे नहीं मुझे पसंद ही नहीं है, पे करके देती हूं। ये हम इसको कहते हैं मकई अपनी जुबान में और उर्दू में मुझे लग रहा बोलते हैं भुट्टा। अस्कर करे ऐसा जी बाड़ी आपको खींदा भाई। ये है कॉर्न ऑन द कॉप। कॉर्न ऑन द कॉप दादी खाने में तो मक्की सी। ये थोड़ा मेरे ख्याल कच्चा लग रहा है। इसको पहले उबालते हैं और फिर इस पे मक्खन लगाते हैं। जब वो चूल्हा जलता है ना हमारे पास फिर ये लकड़ी है, हम दो सीखा रख के इसको यूँ पकाते हैं। इसका अपना मसाला मिलता है वो ही ऊपर लगा के थोड़ा चेर नमक लगा के वो फिर खाते हैं मक्खन आला तो पहली बार सुना हमने। अच्छा मजे की बात ये है कि ये मुख्तलिफ रंगों में भी मिलता है जैसे कि काला हरा सफेद लाल। नना नजीर आठी नना नना नजर आनारा गुजरी गाना खाना मक्की गाना कलर टिबरी पदा बंद का रंग सालेरता और रंग स्केरता शोभा न खातरान वो यका उसी।
ये हमारे वहाँ पे ऐसे नहीं डंडी नहीं लगाते, वो इसकी खुद की डंडी होती है उससे पकड़ के खाते। मक्खन से ये नरम बहुत हो गया। ये मैंने पानी में रदल है, जायको भी हुआ है, उसने इसको उबाल दिया है, इसमें जायका और कुछ भी नहीं है। कड़ो थोड़ो लगे तो चो खादो पी दो वापस तो जे। आके ऊपर कढ़िया रखा हो, उसमें थोड़ी बजरी डाल के उसमें ये दाने फेंक दे तो वो ऐसे फैल जाते हैं, सफ़ेद कलर के हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फुला। आप तो पता नहीं क्या बोलते, पॉपकॉर्न कहते हैं। हाँ वो भी बना के खाते हैं, वो भी अच्छा है। ना रेड़ी था आम छल का बिसरा था, ताज़ा ताज़ा बिस्सा गर्म गर्म अलिसा और खसखुली सा की। इसके खाने से काली साई नहीं होती है, मलेरिया नहीं होता है, मुद्दा नहीं होता है, झटके की बीमारी नहीं होती है। इसमें बिल्कुल जायका खास नहीं है। सही लगे कोने बने मक्का को निकलो बने छो बाहर लाए। इसका जायका भी अच्छा है, ये खुद है भी अच्छा। हमारे हम तो खुद वहाँ पे लगाते हैं, इसका खेती बाड़ी इसकी करते हैं। दाल हम लजवान उगड़ा सीधा दाटी पारिट के अल्लाह जी की बेखल थे बी रख दी थी लाल सुनो तो भाई जे बे मसक दान जायका वाप फिर मसक हम बंद मजद से खुली। जी तो फिर आपको केएफसी कैसा लगा? सब सही मिक्स के अंदर भी तो उन्होंने सब से इनके ऐसे लुत्फ के खाया थे सत्संग लड़ो वणी भी सुठो लगी। मैंने सोचा था केएफसी जब पहली बार देखा तो मुझे यही लग रहा था सिर्फ इसमें बर्गर इसी तरह की चीज़ें बनती हैं, ठीक है। आज जाके मालूम हुआ कि इसके साथ चीज़ें और भी बनती हैं इसमें। दस दस बंदर के दा बड़े का या बाज बंदर का खुले रहे। अच्छा, इनमें से कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी? सबसे पहली वाली और जो बर्गर था दूसरा नंबर पर वो था। पहली वाली बड़ी बाल्टी थी उसका ज्यादा बहुत अच्छा था। अवली को सूता सक बाज की छीन हो सक बाज की छीन विशेष सस्ता सही हो गिरा सक और खाने फसल में सक नंदी बाल्टी में खजे वो मैंने सही हो खादे में बिल्कुल सही हो। सबसे अच्छा ये अंडा लाया लगा मकई जो खाने में अच्छा तो था भाई बादशाह से छरबर राजा रहो बादशाह से अरे इमोत के वो शेरा था खफते थर्ड वर्ल्ड कप उड़ा मखलूक थे ना फटे सा तो शोक ससक कि पेश समा नर्रा भाई नी नर्रे से शेरा से फटे रहा भाई ना बादशाह से आप वसी थड़िक फला खचकी के दस अड़ो पगल बंदा कंडन अमु गिड़ा खुले फल आर फिर इधर जवान उस खराब हो सस तो भाई दे बंदा माल हुआ छाए थे। जी नाजरीन, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद है तो फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाए और शेयर करें। अगर कभी आपको गेस्ट जाना हुआ तो बकेट और माल्टी सिंगर जरूर खाइएगा क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। ओके बाय दा थैंक यू।